दीपिका पादुकोण ने आज अपनी फिल्म छपाक की पहली झलक अपने फैंस के साथ शेयर की। इस फिल्म में दीपिका एसिड अटैक सर्वाइवर लक्ष्मी अग्रवाल के कैरेक्टर में नजर आने वाली। इस फिल्म की कहानी बताती है कि कैसे एक बुरे हादसे ने एक मासूम लड़की की पूरी जिंदगी बदल कर रख दी। आखिर कैसे लक्ष्मी अग्रवाल नाम की इस लड़की ने अपने साथ हुए इस हादसे को दर्द, आंसू और हिम्मत से सींच कर दुनिया के सामने एक मिसाल कायम की। आइए जानते हैं कौन है लक्ष्मी अग्रवाल और क्या है इनकी दर्द भरी पूरी कहानी। आपको बता दें कि लक्ष्मी अग्रवाल दिल्ली के एक मिडिल क्लास फैमिली की लड़की थी। सातवीं कक्षा में पढ़ने वाली लक्ष्मी दिल्ली के खान मार्केट में एक किताब की दुकान पर काम करती थी, लेकिन साल 2005 में लक्ष्मी अग्रवाल की उम्र सिर्फ 15 साल की थी जब वो एसिड अटैक हादसे का शिकार हुई। लक्ष्मी का कसूर सिर्फ इतना था कि उन्होंने खुद से दोगुनी उम्र के एक आदमी का लव प्रपोजल ठुकरा दिया था और इस बात से नाराज उस आदमी ने लक्ष्मी से बदला लेने के लिए उनके ऊपर तेजाब फेंक दिया। इस हादसे की वजह से लक्ष्मी का पूरा चेहरा बुरी तरह से झुलस गया और उन्हें तुरंत दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल में भर्ती करवाया गया। आपको बता दें कि लक्ष्मी ने अपने साथ हुए इस हादसे को कुछ इस तरह बयां किया था। तेजाब गिरते ही किसी प्लास्टिक की तरह मेरी चमड़ी पिघल रही थी। उस समय ऐसा लग रहा था कि मानो मेरे सर पर जैसे कई पत्थर रख दिए गए हों। राम मनोहर लोहिया अस्पताल में भर्ती लक्ष्मी ने रोते हुए अपने पिता को जैसे ही गले लगाया तो उसके छूने से उनके पिता की शर्ट कई जगह से जल गई थी। लेकिन दर्द का वो मंजर तब लक्ष्मी के लिए खौफनाक बन गया जब उन्होंने बताया कि वो होश में थी और डॉक्टर्स उनकी आंखें सिल रहे थे। उन्होंने बताया कि वो समझ नहीं पा रही थी कि एकाएक उनके साथ ये क्या हो गया है। कई सर्जरीज और 2.5 महीने बाद जब लक्ष्मी अपने घर लौटी तो उनके परिवार के लोगों ने घर के सारे शीशे हटा दिए थे। लक्ष्मी ने बताया कि जैसे ही मैंने एक दिन अपना चेहरा शीशे में देखा तो खुद को खत्म करने की मेरी इच्छा होने लगी। लक्ष्मी के लिए इस एसिड अटैक के बाद लाइफ बिल्कुल भी आसान नहीं रही। लोग उनका चेहरा देख या तो मुंह फेर लेते या बेचारी कहकर आगे बढ़ जाते। वहीं कुछ लोगों ने तो उन्हें ये तक कह डाला कि चेहरा हमेशा ढककर रखा करो, बहुत डरावनी लगती हो तुम। लक्ष्मी ने बताया कि एसिड अटैक ने उनके शरीर को एक बार झुलसाया, लेकिन इस अपमान से वो कई बार झुलसी। बावजूद इसके लक्ष्मी ने खुद को खत्म करने का फैसला उस समय बदल दिया जब उन्हें अपने माता पिता के अस्पताल में बहते आंसू याद आए और अपने माता पिता के लिए एक बार फिर लक्ष्मी ने इस कठिन जीवन को एक नए हौसले के साथ जीने का फैसला किया। धीरे धीरे वक्त करवट बदलने लगा और धीरे धीरे लक्ष्मी भी हिम्मत से अपनी जिंदगी जीने लगी। आपको बता दें कि साल 2006 में लक्ष्मी अग्रवाल ने एक PIL डाली और सुप्रीम कोर्ट से एसिड बैन करने की मांग की, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने जुलाई 2013 में एक ऑर्डर पास किया जिसके तहत एसिड की बिक्री का नियमन हुआ। पीड़ितों की देखभाल और पुनर्वास के बाद मुआवजे, सरकार से सीमित मुआवजा, शैक्षिक संस्थाओं में आरक्षण और नौकरियों का प्रावधान दिया गया। आपको बता दें कि साल 2006 में ही लक्ष्मी एक ऐसे कैंपेन का हिस्सा बनी जिसका नाम था स्टॉप एसिड अटैक्स। इसे आलोक दीक्षित और आशीष शुक्ला मिलकर चलाते थे। हालांकि कैंपेन चलाने के दौरान लक्ष्मी को इसके फाउंडर आलोक दीक्षित से प्यार हो गया और इस कपल ने शादी से पहले लिव इन में रहने का फैसला लिया और आलोक के साथ आज लक्ष्मी की एक छोटी सी बेटी है जिसका नाम पीहू है। आपको बता दें कि लक्ष्मी ने साल 2016 में लंदन फैशन वीक में हिस्सा लिया और कई टीवी और वेब शोज भी किए। इतना ही नहीं, साल 2014 में लक्ष्मी को मिशेल ओबामा के हाथों इंटरनेशनल वुमेन ऑफ करेज अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है और आज लक्ष्मी एक सेलिब्रिटी बन चुकी है। आज इस आम लड़की को दुनिया में हर कोई जानता है। आपको बता दें कि फिलहाल लक्ष्मी एक NGO छांव फाउंडेशन के जरिए एसिड अटैक पीड़ित लड़कियों के लिए काम कर रही है और लक्ष्मी की इसी इमोशनल, पेनफुल और इंस्पिरेशनल कहानी को मेघना गुलजार लेकर आ रही है जिसका नाम है छपाक। वह लक्ष्मी अग्रवाल की ये कहानी आपको कैसी लगी जरूर शेयर कीजिएगा अपनी राय कमेंट सेक्शन में। बॉलीवुड की लेटेस्ट गपशप न्यूज और स्कूप्स के लिए सब्सक्राइब आवर चैनल नाउ।